हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है पढ़ाई? आई थिंक अच्छा ही चल रहा होगा और अच्छा चलना भी चाहिए, क्योंकि नीट और जेई का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट तो काफ़ी सेंसियर होते हैं। तो चैनल को शुरू करने के पहले माई सेल्फ पृथ्वी सिंह, और आप लोगों को बोलते हैं कि अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि आप लोगों का जो मोटिवेशन हमको मिलेगा आप लोगों से, वो हम उससे बेटर कर पाएंगे। तो देखिए, आज रिएक्शन में क्रिटिज्म पार्ट टू शुरू करने जा रहे हैं। उससे मिनिमम 5 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी एग्जाम में रहती है, नीट में, और जेई मेंस में 4 क्वेश्चन। नीट में 5 से ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन जेई मेंस में 4 क्वेश्चन फिक्स है कि 4 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और एडवांस में तो इससे ज्यादा ही आता है। तो क्या ध्यान रखना कि आप पार्ट टू शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट वन अगले बाद में लेंगे, पहले पार्ट टू लेते हैं। पार्ट टू को शुरू करने से पहले इसमें जो भी जो घटनाएं घटती है, ये कौन सी घटना है जिसमें आप एक रिएजेंट जो होता है ना, रिएक्ट करता है, ठीक है? तो रिएजेंट जो रिएक्ट करता है, तो उसके बारे में इसमें सीखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें सीखेंगे सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट कुछ नहीं, सॉल्वेंट एक मीडियम है, ठीक है? क्या है? मीडियम है जिसमें जो कि रिएक्शन करवाने के लिए बना हुआ है। सॉल्वेंट क्या है? मीडियम है जिसमें क्या होता है, रिएक्शन होता है। सॉल्वेंट में क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो सॉल्वेंट का कितना पार्ट होता है? 2 पार्ट हो सकता है। सॉल्वेंट हो सकता है कि पोलर हो, सॉल्वेंट हो सकता है कि नॉन पोलर हो। क्या बोले? सॉल्वेंट पोलर भी हो सकता है, सॉल्वेंट नॉन पोलर भी हो सकता है, लेकिन पोलर में भी आपको पता है कि 2 पार्ट हो सकता है। पहले समझें कि सॉल्वेंट पोलर भी हो सकता है, सॉल्वेंट नॉन पोलर भी हो सकता है। तो नॉन पोलर कब बोलेंगे? देखिए, नॉन पोलर बोलने का इन द सेंस है कि जब भी डाइपोल मोमेंट किसी भी कंपाउंड का अगर 0 आ जाए, ठीक है, डाइपोल मोमेंट अगर किसी कंपाउंड का अगर 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं नॉन पोलर। अगर किसी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट अगर 0 ना आए तो उसको बोलते हैं पोलर, ठीक है? आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाइपोल वाले ये डाइपोल वाले में, तो ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट किसको बोलेंगे जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, और पोलर पुट्टी किसको बोलेंगे जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो, 0, ठीक है? तो यहाँ पर बताया गया। अब पोलर सॉल्वेंट 2 टाइप्स के होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो देखिए, आइए सबसे पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में सीखेंगे, उसके बाद पोलर एप्रोटिक के बारे में सीखेंगे। आपको पता है कि नॉन पोलर के बारे में बता चुके हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो, 0 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है CCl4, एल्केन CH2, इसमें क्या है, इसका जब आप डाइपोल में निकालेंगे तो क्या होगा, 0 में 0 होगा, जो कि आप इनऑर्गेनिक में सीख चुके हैं। इसके बाद पोलर में 2 है, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। सबसे पहला आइए हम बात करते हैं किस पे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे। तो नाम बोल रहा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तोड़ते हैं इसको। पोलर, पोलर का मतलब दिख रहा है कि डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। प्रोटिक, प्रोटिक का मतलब होता है, ये टर्म प्रोटिक यूज किया गया है प्रोटॉन से, किससे यूज किया गया, प्रोटॉन से। तो जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, मतलब हाइड्रोजन टर्म मतलब प्रोटॉन हो, जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, क्या हो, एक्टिव हाइड्रोजन हो, और वो नॉन पोलर हो, जिसके पास सॉरी पोलर हो, जिसके पास डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो और एक्टिव हाइड्रोजन रखने वाले कंपाउंड हो, ठीक है, वो कहलाएंगे पोलर। फिर से सुनिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपको कंपाउंड दिया गया, उसमें आप पहले सबसे पहले चेक करें कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है। तो पोलर अगर होगा तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, अगर नॉन पोलर होगा तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा। देखिए, तो पोलर अगर पता चलता है कि डाइपोल मोमेंट आपका नॉन जीरो है तो पोलर तो है, लेकिन फिर आप ध्यान देंगे कि क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है। तो अगर आप देखेंगे कि हाँ इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये जो सॉल्वेंट होगा ना, बिहेव करेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर इन द सेंस डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होना चाहिए और प्रोटिक टर्म यूज किया गया है हाइड्रोजन के लिए। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले कि आपको पता चल गया कि डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, तो एग्जांपल लीजिए, जैसे पानी है, ठीक है, मिथेनॉल है, फिनॉल है, आपको फॉर्मल्डिहाइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसमें देखिए सबके पास क्या है, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। आपने पढ़ा होगा कि पानी का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, फिर ये मिथेनॉल का नॉन जीरो होता है, फिनॉल का नॉन जीरो होता है, ये तो आपने देख लिया, पहचान लिया। फिर इस पर देखिए कि क्या आपको इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन किसको कहते हैं, पहले इसको सीखते हैं। देखिए,
वैसा हाइड्रोजन, वैसा हाइड्रोजन जो मोर ईयन एटम से अटैच्ड होते हैं, वैसा हाइड्रोजन जो मोर ईयन एटम से अटैच्ड होते हैं उसको हम एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। देखिए एक छोटा सा बात आपको बताना चाहते हैं, मार्केट में ना एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन को लोग बोलते हैं एक ही चीज है, लेकिन दोनों डिफरेंट थिंग है, ध्यान देना कि दोनों अलग अलग चीज होते हैं, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन को हम एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं, बट मोर ईयन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। ध्यान देना है एक्टिव हाइड्रोजन कुछ अदर कुछ और है और एसिडिक हाइड्रोजन कुछ और है। एक्टिव हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन को कहते हैं, ठीक है, लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन मोर ईयन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम कहते हैं। मोर ईयन यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मार्केट में स्टिक्स को नाम से जानते हैं फोन, तो फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो भी होता है उसको एसिडिक हाइड्रोजन हम कहते हैं। तो देखिए कैसे, सबसे पहले देखते हैं पानी नॉन पोलर है क्योंकि डायपोल मोमेंट आपका क्या है, नॉन जीरो है। फिर देखिए, देखिए आपको बोले पोलर प्रोटिक, प्रोटिक का इन द सेंस कि वहां पे एच है, हाइड्रोजन होना चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन। देखिए ऑक्सीजन मोर ईयन है उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, आपको कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन मोर ईयन है इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ फिनोल है तो बेंजीन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मतलब मोर ईयन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कौन सा है, आपको एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक। आप बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड में, तो देखिए ये यहाँ पे गलत लिख दिया गया, फॉर्मल्डिहाइड नहीं फॉर्मिक एसिड होगा। देखिए यहाँ पे मोर ईयन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आपको एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कौन सा एक्टिव हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो पहचानने का तरीका आपको पता चल गया कि जो मीडियम दिया हुआ है, जो यह सॉल्वेंट है, ये कौन सा सॉल्वेंट है, तो आपको बोलना है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पहचानने का तरीका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो और उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। अब बात करते हैं, आइए दूसरा नंबर बात करते हैं, पोलर सॉल्वेंट में दूसरा पार्ट है आपका पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। नाम ही जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि कंपाउंड तो पोलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंपाउंड पोलर होना चाहिए, इसका मतलब कि डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन बात करता है ए प्रोटिक, ए मतलब अब्सेंट, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, मतलब हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए। कौन हाइड्रोजन, कैसा हाइड्रोजन की बात कर रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन की बात कर रहा है। तो पोलर तो ठीक है क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट का ही पार्ट है, तो पोलर तो ठीक है, लेकिन ए प्रोटिक मतलब इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहाँ पे एसीटोन लिखा हुआ है, डायमिथाइल सल्फोक्साइड, डायमिथाइल एसीटामाइड। अब देखिए ये सीओ को देखिए आप ध्यान से, ये जब सीओ को देखेंगे तो आप देखेंगे डायपोल मोमेंट इसका नॉन जीरो है, ठीक है, लेकिन इसके पास कोई एक, आप देखिए मोर ईयन तो है लेकिन इस मोर ईयन से कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए यह एग्जांपल पोलर ए प्रोटिक का हो जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ देखेंगे एसओ, जैसे आप कब कैसे चेक करते हैं कि डायपोल में जीरो है नॉन जीरो, तो जो ईयन का जो डिफरेंस होता है उसे चेक करते हैं, जो लेस ईयन का होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव देते हैं, जो मोर ईयन का होता है पार्शियल नेगेटिव। देखिए सल्फर पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इसका इन द सेंस कि म्यू क्या है आपका नॉन जीरो है, बट ऑक्सीजन है, मोर ईयन तो एटम है लेकिन उससे कोई जुड़ा हाइड्रोजन नहीं है, इसे ए प्रोटिक आ गया, ठीक। देखेंगे डायमिथाइल एसीटामाइड में ठीक वैसा ही है, संसार का सारा इथर, संसार का सारा इथर का डायपोल में तो नॉन जीरो होता है बट उसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए उसको हम पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में रखते हैं, ठीक। इस तरह बात करते हैं डायमिथाइल परमामाइड में, तो ये दिखा गया। अब आप बात करते हैं, देखिए अब सॉल्वेंट के बारे में सीखे, अब सॉल्वेंट में क्या करते हैं, हम रिएजेंट को डालते हैं, रिएजेंट का अंदर जो रिएक्टिव पार्ट है जो रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, गेट करेगा। तो हम करते क्या, देखते हैं जैसे ही हम किसी रिएजेंट को, हम यहाँ पे रिएजेंट बात करते हैं किसका, NaOH का, जैसे मान लीजिए NaOH को हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, जब NaOH को हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसके साथ क्या बिहेवियर दिखाएगा, पहले उसके आइए उसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई रिएजेंट को डालते हैं सॉल्वेंट में, मीडियम में, ताकि वो क्या करे, रिएक्ट करे, तो उसमें क्या करते हैं NaOH को हम पानी में डालें, जैसे मान लो यहाँ पे सॉल्वेंट एक छोटा सा पार्ट, सिर्फ एक कोई सॉल्वेंट इसमें उठाते हैं, पहले हम पानी उठा लेते हैं, जैसे ही हम रिएजेंट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो क्या क्या दिखाता है, सो देखिए सबसे पहले क्या दिखाएगा, जैसे ही पानी में डालेंगे ना तो यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है ना,
सॉल्वेंट के पास, जैसे आप देखें यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे आपने देखा ये सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे अब ऑक्सीमोडियन है, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, और ये हाइड्रोजन लेस ये है तो ये पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव पोलर है। अब NaOH डाले कास्टिक सोडा, जैसे मान लेते हम रिएजेंट डाले हैं, तो इसको जब हम अपने ब्रेक करते हैं तो किस फॉर्म में तोड़ेंगे आप, सोडियम क्या है मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन सा चार्ज आएगा प्लस, और OH माइनस, OH को क्या आएगा माइनस, तो इसको जब हम ब्रेक करके जब लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे Na प्लस OH माइनस। तो ध्यान रखिए जब आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को डालेंगे तो Na प्लस के पास कौन सा चार्ज है प्लस चार्ज, तो पानी के कौन से पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपने पास निगेटिव वाले पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए Na प्लस यहाँ पे डाले, अब पानी में दो पार्ट है, एक ऑक्सीजन के पास निगेटिव वाला पार्ट और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव वाला पार्ट, तो आपको पता है कि हर अपोजिट चार्ज लाइक करता है दूसरे को, तो सोडियम के पास कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ऑक्सीजन के पास कौन सा निगेटिव, तो ऑक्सीजन वाला पार्ट क्या होगा ना उसके पास जाएगा दौड़ करके, और दौड़ करके जाएगा दौड़ के जाएगा और दौड़ कर चारों तरफ से खींच लेगा, घेर लेगा किसको, सोडियम वाले पार्ट को घेर लिया, घेर करके क्या कर देगा सोल्वेट कर देगा। देखिए अगर पानी अगर घेरता है ना, और पानी अगर यहाँ पे लेते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन, और पानी के अलावा किसी और सॉल्वेंट को लेते हैं, पानी के अलावा किसी और सॉल्वेंट को लेते हैं तो उसको बोलते हैं सॉल्वेट। पानी लेते हैं तो हाइड्रेशन टर्म यूज करते हैं यहाँ पे, और पानी के अलावा कोई और चीज, यहाँ पे हाइड्रेशन टर्म यूज कर सकते हैं क्योंकि पानी नहीं है, इसके अलावा और कोई भी चीज लिखते हैं तो सॉल्वेट सॉल्वेशन बोलते हैं। तो क्या करिए कटाने वाला जो पार्ट है ना, इसका यहाँ पे पानी हाइड्रेशन कर रहा है सॉल्वेशन कर रहा है, सॉल्वेशन भी बोल सकते हैं, सॉल्वेशन भी बोल सकते हैं और हाइड्रेशन बोल सकते हैं, लेकिन रियल हाइड्रेशन ही बोलना चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं सॉल्वेशन क्योंकि एक सिर्फ पानी का नहीं किसी और भी पार्ट की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि कटाने वाला पार्ट का सॉल्वेशन कर दिया जाता है, कर दिया गया, चारों बगल से आकर उस कटान को घेर लेता है, कौन एनायन मतलब ऑक्सीजन घेर लेगा उसको, और घेर करके उसके साइज को बल्की कर देगा, घेर लिया। और फिर देखिए अब बचा OH वाला पार्ट, फिर OH पे कौन सा चार्ज आ रहा था निगेटिव, अब निगेटिव के पास कौन सा चार्ज आना चाहेगा, मान लीजिए यहाँ पानी नहीं है तो इसमें कौन सा पार्ट जाना जाएगा निगेटिव पे, OH वाला, वो ये पानी का H वाला पार्ट, तो पानी का H वाला पार्ट उसके पास जाकर के उसको चारों तरफ से घेर देगा। यहाँ से क्या सीख रहा है, यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है कि जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है ना, किसी भी रिएजेंट का कटाने वाले पार्ट को भी हाइड्रेशन कर रहा है सॉल्वेशन कर रहा है, और एनायन वाले पार्ट का भी हाइड्रेशन कर रहा है या बोलिए सॉल्वेशन कर रहा है। तो यहां से कंक्लूजन निकल के क्या आता है, देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसी भी रिएजेंट के कैटायनिक एज वेल एनायनिक दोनों पार्ट को सॉल्वेट कर देता है, और सॉल्वेट कर क्या करता है अलग कर देता है। फिर से देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायनिक एज वेल एनायनिक दोनों पार्ट का सॉल्वेशन कर देता है। तो देखिए दोनों का सॉल्वेशन कर दिया और तोड़ पैदा कर दिया। अब जैसे मान लीजिए कि ये अलग हो गया, तब जब आप रिएक्शन कराएंगे तो उसमें जिस पार्ट को अटैच कराना है उस पार्ट को अटैक करवा सकते हैं। फिर बात करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेंट कटायन एज वेल एज एनायन, थैंक यू। अब आगे बात करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, आइए देखते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे मान लीजिए क्या है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, उसमें हम मान लीजिए कि NaOH जो लिए थे कास्टिक सोडा उसको हम डाले, तो उसमें क्या होगा, जैसे फिर से Na पे प्लस चार्ज OH में माइनस चार्ज, ध्यान से देखना है क्या करना है, Na पे प्लस चार्ज OH में माइनस चार्ज, इसमें क्या होगा ना Na पे प्लस चार्ज है तो इसके पास कौन सा पार्ट आना चाहेगा पानी का, निगेटिव वाला पार्ट, तो निगेटिव वाला पार्ट किसके पास है ऑक्सीजन के पास है, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे देखिए एसीटोन है तो इस पे लेसियन है तो पार्शियल पॉजिटिव और मोडियन है तो पार्शियल निगेटिव, तो यहाँ पे मान लीजिए हम स्टोन ले रहे हैं तो स्टोन का कौन सा सोडियम के पास कौन सा पार्ट आना चाहेगा ऑक्सीजन वाला, तो ऑक्सीजन वाला पार्ट आएगा धीरे धीरे और एसीटोन घेर लेगा सोडियम को, और घेर कर क्या करेगा सल्फेट कर देगा, ये सल्फेट कर देगा, ये सल्फेट कर दिए सल्फेट कर दिया सल्फेट कर दिया। लेकिन मान लीजिए कि हम जैसे ही इसका ऑक्सीजन वाला पार्ट यहाँ पे आया, लेकिन जैसे ही OH- माइनस पे आते हैं तो OH- माइनस को कौन सा पार्ट आना चाहिए इसका, इसका कौन सा माइनस है तो यहाँ पे कार्बन वाला पार्ट आना चाहिए यहाँ पे सॉल्वेट करने के लिए। लेकिन कुछ यहाँ पे घटना घट जाती है, वो नहीं आ पाता है, उसका प्रोसेस क्या है, इसका रीजन क्या है, सोडियम रीजन ये है कि कैटायन था सोडियम, ये मेटल था इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है आपको इसे भी पता होना चाहिए कैटायन का साइज जनरली छोटा होता है एनायन से,
ये छोटा था तो इसको आराम से घेर लिया था, कौन एसीटोन, और घेर करके इसे सॉल्वेशन कर दिया था। जैसे ही एनायन की बारी आती है सॉल्वेशन करने के लिए, एनायन एक बड़ा चार्ज है तो उसमें क्या होता है कि ये माइनस OH माइनस है ना, जब उसका सॉल्वेशन करने का पारी आता है तो सॉल्वेशन इसमें कौन सा पार्ट करेगा, ये कार्बन, क्योंकि जिससे पार्शियल पॉजिटिव है, क्योंकि OH पे तो खुद का नेगेटिव चार्ज है। तो जब इसको घेरने के आएगा ना तो ये OH माइनस, लेकिन OH माइनस क्या ना इसका सॉल्वेट नहीं, सॉल्वेशन नहीं कर पाएगा, क्या कारण देते हैं, जैसे OH माइनस को घेरना चाहेगा, लेकिन ये जो दो बल्की ग्रुप है ना मीथेन का, ये बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, उसको घेरने नहीं देंगे, मतलब सॉल्वेशन नहीं करने देंगे। क्या रीजन देखिए, जैसे ही बल्की ने जैसे OH माइनस का सॉल्वेशन होगा लेकिन नहीं करने दिया जाए, क्योंकि ये जो CH3CH3 है ना, जो बल्की ग्रुप है उसका मतलब क्या करेगा, हिंड्रेंस के कारण उसको पास नहीं आने देगा, एक रिपल्सन करेगा और दूर भगा देगा, तो इसलिए एनायन का सॉल्वेशन नहीं करने देगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जब हम किसी रिएजेंट को डालते हैं तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहे हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ कैटायनिक पार्ट का सॉल्वेशन करता है, एनायन का नहीं कर पाता है। रीजन क्या है, क्योंकि बल्कीनेस आ जाता है, बल्की ग्रुप वहां पर बहुत बड़ा बड़ा बल्की ग्रुप वहां पर प्रेजेंट है। तो फाइनली क्या कंक्लूजन निकल रहा है, लिखा हुआ है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट 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 ओनली कैटायनिक पार्ट। तो कंक्लूजन क्या निकला, हम तेजी बोलते हैं थोड़ा ध्यान दीजिए, सॉल्वेंट दो तरह का होता है, पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो, पोलर जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो। फिर पोलर में दो तरह का, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या देखेंगे, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होना चाहिए और एसडी हाइड्रोजन होना चाहिए। एसडी हाइड्रोजन उसको बोलते हैं जो FON से जुड़ा हुआ है, कौन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। फिर बात करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है कि कैटायन एज वेल एज एनायन दोनों पार्ट को सॉल्वेट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वैसा सॉल्वेंट जिसके जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो लेकिन उसके पास कोई एसडी हाइड्रोजन नहीं हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल है इथर, दुनिया संसार का सारा इथर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, डीएमएसओ है, डीएमएफ है, इथर है, टीएचएफ है, ये सब इथर, सब क्राउन इथर भी बोल सकते हैं, बहुत सारा इथर है, सारा इथर है। ये क्या करता है, ये क्या करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कैटायनिक पार्ट का सॉल्वेंट कर पाता है, एनायनिक का नहीं कर पाता है। क्या कारण है, क्योंकि एनायनिक पार्ट जो होते हैं ना उसके जब उसका सॉल्वेशन होता है तो जो जो भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है उसका बल्कीनेस होने के कारण उसका सॉल्वेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो बस इतना ही पार्ट था जिसको ध्यान रखना, और इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी आप ये कंसेप्ट बताया गया है, ये आप जब भी आप NSR पढ़ेंगे जैसे SN1 SN2 तो उसमें इस पार्ट का बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट रोल दिखने वाला है आपको। तो इसलिए इस बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखें कि किसको पोलर पोलिंग है, किसको पोलर एप्रोटिक, किसको पोलर प्रोटिक। जैसे मान लीजिए और यहाँ पे अगर एक छोटा सा बात बताते हैं, अगर नहीं पता हो तो आगे बताया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर लेंगे तो इसको यूज SN1 में करते हैं, अब पोलर एप्रोटिक का जब लेते हैं ना तो SN2 में करते हैं। इसी को थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बताएं, SN2 पोलर प्रोटिक है, SN2 में पोलर एप्रोटिक और SN1 में पोलर प्रोटिक, ठीक है दोस्तों। तो सॉल्वेंट का पार्ट खत्म होता है अपना, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्या बोलते हैं कि जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो मैसेज में छोड़ें और अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, बस ध्यान रखें, ख्याल रखें अपना।